साधनी देवीस्कंद गूगल की नौकरी और लाखों की सैलरी पैकेट छोड़कर साध्वी बन गई हैं। दिल्ली में बड़ी देवीस्कंद एक बड़े कारोबारी की बेटी हैं और खास बात यह है कि वो सबसे कम उम्र की साध्वी बनी हैं। रिपोर्ट आप देखिए। इंसान को यदि भगवान और अध्यात्म की प्राप्ति हो जाए तो सांसारिक मोहमाया को छोड़कर बस इसी रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ इसी तर्ज पर वाराणसी की परम धर्म संसद में हिस्सा लेने पहुंची सबसे कम उम्र की सन्यासी साध्वी ब्रह्मवादिनी देवी स्कंद। मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली ब्रह्मवादिनी देवी अपना पिछला नाम बताने को तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने लगभग 18 महीने पहले ही गूगल की 80,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़कर सन्यास ले लिया। दिल्ली में पली भड़ी देवी स्कंद एक बड़े कारोबारी की बेटी है। पिता गिफ्ट आइटम का बिजनेस चलाते हैं। शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने वाली देवी स्कंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया, फिर सीएस की पढ़ाई की और 1.5 साल गूगल में नौकरी की और फिर एक दिन नौकरी छोड़कर अध्यात्म की ओर अपना रुख कर लिया। देवी स्कंद की माने तो बचपन से ही अपने माता पिता के साथ अक्सर मंदिरों और गुरु माता के यहाँ जाती रहती थी, जो उन्हें सांसारिक जीवन से वैराग्य की ओर खींच ले गया। देवी स्कंद गुरु माता के द्वारा ईश्वर को लेकर बताए गए मार्ग से बेहद प्रभावित थीं। उन्होंने जब वैराग धारण करने की बात घर में बताई तो माँ तो मान गई, लेकिन पिता मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जो मुझे साक्षात उस ईश्वर का दर्शन मेरे अंतर्घट के भीतर करा दे। बाहर टेम्पल्स में जो मूर्ति है, हम उस साकार रूप की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस निराकार रूप की बात कर रहे हैं। तो वो ही दर्शन हमारी गुरु माँ ने हमारे अंतर्घट के भीतर मुझे करवाया और उसके बाद जो मेरे अंदर जो एक स्पिरिचुअल जो चीज़ें थी वो जागृत हुई हैं उसके बाद। गूगल में नौकरी करते वक्त देवी स्कंद की लाइफ बेहद हाईफाई थी, सांसारिक जीवन था, लेकिन अब इन सब से वो दूर हैं, परिजनों से भी कभी संपर्क नहीं करती। जब आप ईश्वर का अनुभव करते हैं और उसमें जो आनंद है वह दुनिया के सुख से कहीं अधिक है, और जब वो उसको कोई पा लेगा तो मेरा ये दावा है कि वो फिर उसे इस दुनिया के समस्त सुख फीके लगेंगे। इसलिए और जब वो परम सुख को पाएगा तो निश्चय है कि वो संसार छोड़ के आध्यात्मिक रास्ता पकड़ता है। इंसान सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए अध्यात्म की शरण लेता है, लेकिन उसका झुकाव अध्यात्म की तरफ कब होगा कोई नहीं जानता। रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।